फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कार एनर्जी विद वन मोर वीडियो। मारुति ब्रीजा BSX ये 2024 मॉडल है और इसमें 2024 में जो है ये नॉन हाइब्रिड है। इनका RC इंडोर्समेंट हो जाएगा। गाड़ी मेरे पास गुजरात से आई है CNG लगने के लिए। इनका पेपर फाइल मैं बना के दूंगा गुजरात से और वहाँ ये जाके अपने एजेंट या डायरेक्ट भी जाके अपना RC पे इंडोर्समेंट करा लेंगे। इसमें जो किट लगाया, हम अपने इंडस्ट्री का सबसे टॉप का किट लगाया, दिस इज़ लवेटो 8 इंजेक्टर किट। अच्छा, ये गाड़ी 8 इंजेक्टर की है तो इसमें इंजेक्टर 8, आपका ECM 8 इंजेक्टर ECM है। डबल स्टेज का रिड्यूसर आता है क्योंकि ये प्रीमियम किट है। मैप सेंसर बेस फिल्टर आता है जो लवेटो COBD2 में है। ऊपर आपका मैप सेंसर है, नीचे फिल्टर है। ये आपका 8 इंजेक्टर वाली गाड़ी है। 8 इंजेक्टर लगाया हूँ आपके CNG का। इसमें आपका कपलर जो है 8 इंजेक्टर्स में सॉकेट टू सॉकेट फिटिंग किया हूँ। 8 इंजेक्टर्स में, इंजेक्टर्स के कोई तार नहीं काटा हूँ मैं। ये फिलिंग वाल्व है, यहाँ से गैस फिल होगी, डायरेक्टली सिलेंडर पे जाएगा। और इनका साइड फिलिंग वाल्व भी लगाया हूँ, वह कंपनी का, वो भी दिखाऊंगा। अच्छा, इसके अंदर जो है, जो मेन काम किया हूँ, इसके अंदर एडवांसर लगाया हूँ मैं AB। ये आपका एडवांसर लगाया AB पांडा, दिस इज़ मेड इन इटली। इसमें डायनेमिक एडवांसर नहीं चलता, वो सपोर्ट नहीं करेगा। और ये एडवांसर है, दिस इज़ मेड इन इटली। ये एडवांसर लगा के दिया हूँ मैं और मज़ा आएगा गाड़ी चला के। इसका वायरिंग देखो आप, आपके एडवांसर और आपके ECM से ये जो वायरिंग जा रहा है सारा स्पाइरल ट्यूब में, प्रॉपर स्लीप, दिस इज़ द क्वालिटी अल्टीमेट। सारा वायर्स यहाँ इंजेक्टर्स का सब सॉकेट टू सॉकेट है। सुपर इंस्टॉलेशन इन गुजरात नंबर ब्रीजा। एंड व्हेन आई ऑलवेज से, व्हेन पीपल आर कमिंग फ्रॉम वेरी फार ऑफ प्लेसेस, इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव आर बेस्ट। मज़ा आता भाई। अभी मैं जब किट लगा रहा था, मैं सब कुछ इनका चेक किया। मैंने इनका स्पार्क प्लग चेक किया, फ़िल्टर चेक किया, थ्रॉटल चेक किया, सब कुछ चेक किया मैंने। और इनको मैंने राय दिया कि आप इतने दूर से आए हो, आप पैसे मत देखो, गो फॉर द बेस्ट। तो मैंने इसमें लवेटो COBD2 लगाया। और मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे रेट औरों से थोड़ा 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 ज़्यादा है। उसका रीज़न है, मैं एक तो पांडा लगा रहा हूँ, ये किट में नहीं आता, और दूसरा इंजेक्टर्स के वायर कोई कट नहीं करता। ये कपलर टू कपलर थोड़ा महंगा आता है, सॉकेट टू सॉकेट। और इनके साइड फिलिंग वाल्व भी लगा के दिया हूँ, ये सब डब्बे में नहीं आता, वह कंपनी का जेन्युइन मारुति में जो कंपनी फिटेड में आता है, ये वाल लगा के दिया मैंने। अब ये यहाँ से गैस डलवाएंगे, बार बार इनको बोनेट खोलने की ज़रूरत नहीं है। आगे से भी ऑप्शन है और यहाँ से भी है। कंप्लायंस प्लेट यहाँ लगा दिया हूँ मैं, यहाँ डेट देखेंगे, गैस देंगे। दिस इज़ मारुति ब्रीजा। देखो, इतना दूर बंदा जब गाड़ी चला के आता है ना, फिर हम उसमें कुछ अपना फ़ायदा नहीं देखते, हम देखते हैं कितना बेस्ट टू बेस्ट हम दे पाएँ। इसमें जो सिलेंडर लगाया हमने 12 kg का लगाया, जस्ट सी द स्पेस, ऑलमोस्ट 60% ऑफ द स्पेस इज दैट टू कीप योर लगेज। आपका जो है स्टेपनी आपका नीचे है, और जो स्टैंड का क्वालिटी है मेरा, ब्रॉडर शीट में मोल्डेड पाइप स्टैंड, ये ब्रॉडर शीट है, ये एक्चुअली इसके नीचे है, ब्रॉडर शीट में मोल्डेड पाइप स्टैंड है। TVS नायलॉन लॉक नट बोल्ट पैडिंग के साथ और रबर ग्रिप के साथ, ये आपका रबर ग्रिप जैसे कंपनी फिटेड में आता है। डक्टिंग वगैरह सब कुछ करके दिया हूँ मैं, मज़ा आएगा भाई गाड़ी चला के। अब एक बार चलते हैं CNG पंप, गैस डलवाते हैं, सेटिंग करते हैं और ट्रायल लेते हैं, आइए। सो दिस इज़ मारुति ब्रीजा BSX 2024 मॉडल, जो नॉन हाइब्रिड आई है उसमें RC पे चढ़ जाएगा। और ये वो मॉडल है 2024 जो नॉन हाइब्रिड आई है, कई गाड़ियाँ आई हैं नॉन हाइब्रिड। इसमें जो किट लगाया हमने, लवेटो COBD2 BSX 8 इंजेक्टर किट लगाया, 12 किलो का सिलेंडर, कपलर टू कपलर वायरिंग, पांडा लगाया, पिकअप A1, मतलब फिटिंग अल्टीमेट, साइड वाल भी लगा के दिया हूँ मैं। गाड़ी मेरे पास गुजरात से आई है, बहुत दूर से आई है तो हमेशा जो है जिम्मेदारी बढ़ जाता है कि जो अपना सबसे बेस्ट है वो दे। एक बार पूछता हूँ मैं, भाई से पूछता हूँ मैं, कैसा रहा सर? एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। जो मैंने सोचा था, आपकी पहले वीडियो देखी थी, मैंने सोचा काफ़ी 1-2 महीने के लिए कि लगवाऊँ या ना लगवाऊँ, फिर ट्रस्ट करके आया यहाँ पे दिल्ली, और जैसा मैंने आपके वीडियो में देखा था सेम एज लाइक पेट्रोल, तो वही फीलिंग है, पेट्रोल की जैसे ही चल रही है। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और फिटिंग कैसा रहा? फिटिंग A1, आपके जो लड़के ने फिटिंग किया वो कम एज लाइक कंपनी जैसा ही फिटिंग था।
बहुत सफाई से सारा काम। हाँ, एकदम सफाई से काम हुआ। तो आपका इतने दूर से आना कैसा रहा, मतलब सफल रहा? हाँ, सफल रहा एकदम। हाँ? एकदम सफल रहा। एक बार भी मन में ऐसा नहीं हुआ इतने दूर से आया हूँ मेरे को काम सही मिलेगा नहीं मिलेगा? पहले तो हुआ था ऐसा। हाँ? फिर आपका यहाँ पे आया, काम देखा। हाँ? और अभी गाड़ी चलाई। हाँ? तो ऐसा लगा कि जो मैंने वहाँ तक आया, यहाँ तक गुजरात से दिल्ली। हाँ? तो ये मेरा आना वसूल हुआ। मज़ा आएगा। हाँ। मैं आपको एक पर्चा बना के दूंगा कि 8000 किलोमीटर में आपने अपने मैकेनिक से क्या कराना है वो सारा पर्चा बना के दूंगा, बस उसके बिहाफ में आप कराते रहना काम और चलाते रहना। कभी देखो, फिटिंग एक बार होता है, सेटिंग एक बार होता है, बाकी और कुछ नहीं करना है। जो मैं एक पर्चा बना के दूंगा वो अपने मैकेनिक से आप कराते रहना और चलाते रहना। सो दिस इज़ मारुति ब्रीज़ा BS6 अल्टीमेट। इनका सब कुछ करके दिया। एक्चुअली वी नो व्हाट टू डू इन द कार। देखो, जो गाड़ी हम पकड़ते हैं केवल डब्बा सिलेंडर नहीं लगाते, इसके अलावा इस गाड़ी को कामयाब करने के लिए जो चीज़ लगना चाहिए वो सब कुछ लगा के देते हैं। इस गाड़ी के अंदर मैंने डायनेमिक भी लगाया, चेक किया, सपोर्ट नहीं करता। AB नॉर्मल एडवांसर लगाया, चेक किया, सपोर्ट नहीं करता। AB पांडा लगाया, चेक किया, सपोर्ट करता है। तो जो गाड़ी में हमने R&D कर रखा है, जो सामान लगना चाहिए वो सब कुछ लगा के देता हूँ, तब गाड़ी चलती है। जैसे हम कहते हैं ना, चैलेंज के साथ पेट्रोल, और पेट्रोल से भी बेहतर वो चीज़ है। एंड जब हमेशा मैं कहता हूँ, जब बंदे दूर से आते हैं तो मेरा आज के दिन में मेरे पास 7 गाड़ियाँ लग रही हैं, लेकिन मेरा फोकस जो है ना इस गाड़ी पे था, क्योंकि ये गाड़ी गुजरात से आई है और ये मेरा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है कि भाई जो बेस्ट टू बेस्ट है वो करके दूँ मैं। चलो, रियली मज़ा आया सर एकदम। चलो, इस तरह का वीडियो आपको पसंद आए, इफ़ यू आर न्यू सब्सक्राइब इट एंड प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू। एंड एक लाइक ज़रूर बनता है, प्लीज़ लाइक इट।